तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास दिस इज़ आर इकनॉमी सीरीज हियर एन की जो मैक्रो इकोनॉमी वाली बुक है तो इसको हम कवर कर रहे हैं एंड रिगार्डिंग दिस बुक वी हैव सिक्स चैप्टर्स जिसमें से हमने दो चैप्टर्स को कंप्लीट किया है एंड टुडे टूडे टॉक अबाउट दिस चैप्टर नंबर थ्री है ना थर्ड के बाद में जो आपका चैप्टर नंबर फाइव और सिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फोर में बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमें देखनी है क्लियर तो आ, वो भी एक बार लेंगे बट विल ट्राई टू वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आज हम चैप्टर नंबर थर्ड की बात करेंगे मनी और बैंकिंग के परस्पेक्टिव से सो mm -hmm. so, uh, ट स्टार्ट एम आई ऑडिबल प्लीज लेट मी नो प्लीज़ गिव हम्स एवरी थिंग इज फाइन हेलो निशा हेलो नोक नाइकी हेलो सत्यम गुड मॉर्निंग तो स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव दिस मनी एंड बैंकिंग तो uh, ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है बट कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे हम देखेंगे आज मनी सप्लाई इस प्रिंसिपल की चर्चा की गई है uh, क्या क्या वेरियस फॉर्म्स है मनी सप्लाई के मनी uh, की जो डिमांड है है ना कैसे जनरेट हो रही है डिमांड ऑफ द मनी उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन और स्पेक्लेटिव मोटिव है उनकी चर्चा की गई है वी हैव द सेंट्रल बैंक आर जो है उसका काम क्या होता है फंक्शंस की उसकी चर्चा की गई है मनी uh, का रोल क्या है वॉट आर द फंक्शंस वाई एक्चुअली वी डू नीड द मनी है ना मनी की ज़रूरत क्यों है वास्तव में वो सारी चर् चर्चाएँ यहाँ पर आपकी हैं और विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर टुडे डे इट सेल्फ. आज आपकी एक बजे भी एक क्लास है ना अगर इस वाले क्लास में नहीं हो पाता है तो एक बजे भी एक सेशन प्लान है इसी चैनल पे विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर टुडे डे इट सेल्फ देन विल मूव टू तो द गवर्नमेंट बजट जहाँ पे जो भी बजट रिलेटेड चीज़ें हैं वो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कशन में रहेंगी और फिर हमारे पास ओपन इकोनॉमिक्स वाला जब चैप्टर आ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं ये फ्री क्लासेस का आपका लिंक है इस पर आप मुझे फॉलो कर लेना और अभी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं फ्री क्लासन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ पे एक्सेस होती हैं वो है एक तो पाँच बजे आपकी चल रही है एन है आर्ट एंड कल्चर की अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो हम कवर कर रहे हैं और एक छः बजे क्लास है जिसमें हम इलेवंथ क्लास की जो एन है इकनॉमिक्स की वो कवर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आप ले सकते हैं इस लिंक पे जाके आपका एक्सेस हो जाएगा ये जो टेलीग्राम चैनल है ना इस पे भी लिंक अभी आपका शेयर हो जाएगा सो so आपको क्या करना है यू नीड टू जस्ट एनरोल इन दिस फ्री क्लासेस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर लेना कोड की अगर रिक्वायरमेंट है तो यूज द कोड आर बी लाइव सो वंस द क्लास गोज लाइव यू विल गेट द नोटिफिकेशन आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ दिज फ्री क्लासेज ऑल्सो ऑन दिस टेलीग्राम इसके अलावा अनकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और अन अकेडमी अभी आपको नाइन मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रहा है क्लियर तो पहले नाइन मंथ वाला ऑप्शन नहीं था अभी आपके पास है ट्वेंटी uh, फोर अक्टूबर तक ये रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली गो एड विद दिस यूज द कोड आर बी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ठीक है वो आपका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है जो स्पेशल क्लास का आर्ट एंड कल्चर वाला है वो लिंक आपको शेयर कर दिया गया है वी हैव दिस कॉम्पीट फीचर जहाँ पे आप एक गेमीफाइड मोड uh, के अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से ये भी आप एप्लीकेशन uh, के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं इस पर आपके फ्री क्लास लिंक शेयर हैं मनी बैंकिंग से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा की जाएगी कि मनी की, की जरूरत क्यों है फाइन uh, मान लेते हैं हम एक ऐसा सिचुएशन मानते हैं जहाँ पे uh, एक ऐसी इकोनॉमी है है ना मान लीजिए एक ऐसा विलेज है छोटे लेवल पे विलेज है और वहाँ पे कोई मनी या जस्ट करेंसी जैसा हम यूज करते हैं ना नोट कॉइन ऐसा कुछ यूज नहीं होता है क्लियर इस तरह से कुछ आपका यूज नहीं हो रहा है ऐसा हम मान लेते हैं तो अब वहाँ पर मान लीजिए किसी को भी कुछ भी एक्सचेंज होना होगा मान लीजिए फार्मर है उसको वीट वो वीट कल्टीवेट कर रहा है है ना फार्मर वीट कल्टीवेशन कर रहा है गेहूं उगा रहा है अब उसको जरूरत है कपड़ों की किसकी जरूरत है तो आ, फार्मर क्या करेगा क्योंकि मनी करेंसी तो है नहीं तो वो क्या करेगा दुकान पर जाएगा और उसको कहेगा कि क्या आपके पास कपड़े हैं तो वो कहेगा बिल्कुल हैं इस तरह से तो फार्मर उसको कहेगा कि आप मुझे कपड़े दे दीजिए और मेरे पास गेहूं है आप गेहूं ले लीजिए तो ये गेहूं के बदले मुझे कपड़े दे दो इस तरीके से है ना इसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज हो रहा है ना गुड्स एंड सर्विसेज का ये एक्सचेंज हो रहा है कोई मॉनिटरी एक्सचेंज यहाँ पे नहीं है तो ये होता है बार्टर एक्सचेंज लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी मान लीजिए ये दुकानदार जो है ये कहता है कि मेरे पास कपड़े तो हैं आपको लेने हैं तो ले लो लेकिन मुझे गेहूँ की ज़रूरत नहीं है क्लियर मुझे गेहूँ की जरूरत नहीं है लटस से कि नहीं मुझे जूते चाहिए या फिर मुझे गेहूँ नहीं चावल चाहिए आपके पास चावल है तो दो तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे जो बार्टर ये जो एक्सचेंज है इस तरह का बाटर एक्सचेंज मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है वस्तुओं का या सेवाओं का गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है विदाउट द मीडिएशन ऑफ द मनी मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे है ना तो ये होते हैं बाटर एक्सचेंज अब बाटर एक्सचेंज में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहां पे दिक्कत यह है कि डबल को ऑफ वॉन्ड्स ये सबसे बड़ा इशू है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का क्या मतलब है डबल कोइंसीडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि यहाँ पे फार्मर को जो चीज़ बेचनी है वो यहाँ पे जो रिटेलर है उसको चाहिए और रिटेलर के पास जो चीज़ जो फार्मर को चाहिए वो रिटेलर के पास भी होना चाहिए मतलब दोनों तरफ से वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ठीक है छोटे लेवल पे चीज़ें चल रही हैं बट बड़े लेवल पे बड़ा इशू हो जाएगा क्लियर तो फार्मर को कल को मान लीजिए और कुछ चाहिए अस से कि एजुकेशन uh, के पर्पज से है या कुछ भी है वट एवर द नीड ऑफ़ द फार्मर इज़ तो उसके लिए उसको डेफिनेटली uh, ऐसा तो है नहीं कि जिसको भी uh, वो ऑफर करेंगे उसको गेहूं की ही ज़रूरत हो आर यू गेटिंग दिस मान लीजिए फार्मर को यहाँ पे कपड़े नहीं जूते चाहिए फार्मर को जूते चाहिए लेकिन जो जो शॉप वाला जूते बना रहा है या बेच रहा है उसको ज़रूरी नहीं है ना कि वीट की ज़रूरत हो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो दोनों तरफ से ये जो नीड है या डिमांड है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए क्लियर और इस वजह से ये जो बाटर एक्सचेंज है ये क्या हो जाता है बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है लार्ज स्केल पे ये वर्क इस तरीके से नहीं करेगा चीजें आसान कब हो जाएंगी ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी इनकी समस्या का हल हो जाएगा अगर ये डिसाइड करते हैं कि एक जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे एक नोट या पेपर नोट इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर आपको यहाँ पे लेटस से फार्मर कह रहा है कि अगर आपको मुझसे गेहूँ खरीदना है ना तो आप गेहूँ खरीद लीजिए और इतना पैसा मुझे दे दीजिए अब फार्मर को अगर कोई चीज़ जरूरी जरूरत होगी तो फार्मर कुछ भी खरीद सकता है चाहे कपड़े हैं जूते हैं उसको वो पैसा देना होगा अब वहाँ पे वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट वाली जो चीज़ है उसकी वो कोई इशू नहीं है ठीक है ये वाला लिमिटेशन हट गया है क्योंकि वैसे भी इम्प्रॉबेबल है फाइन तो ये कंडीशन यहाँ पे हट गई इस वजह से आप देखोगे कि जो मनी होता है वो क्या काम कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटा रहा है तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि कोई भी जो चीज़ है उसको मनी के उसके अंदर एक्सचेंज किया जाएगा अगर फार्मर को गेहूँ बेचना है तो वो गेहूँ बेचेगा और मनी लेगा एक्सचेंज में अगर फार्मर को कपड़े खरीदने हैं तो कपड़े ले लेगा और मनी वहाँ पे दे देगा तो अब सामने वाले के सामने जरूरत नहीं है कि उसको गेहूँ चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है तो ये एक बहुत आसान हो गया मतलब इसने क्या किया आसान कर दिया एक्सचेंज है ना फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंजेज इज कंसिडर टू बी द प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी मतलब मनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है कि हम एक्सचेंज जो है इसको बहुत इजी बना दें फैसिलिटेट कर दें तो आज के टाइम जिस तरह की मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वहां तो हम uh, uh, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कोई बाटर एक्सचेंज इस तरीके से रहेंगे बट स्टिल वी सी इन सम सोसाइटीज जो कंपेरेटिवली क्लोज सोसाइटी हैं या ट्राइबल सोसाइटीज हैं वहां पे तो भी हमें हमें बाटर एक्सचेंज देखने को मिलता है तो ये तो हो गया मनी की जरूरत क्यों आपकी पड़ रही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में फाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम कर रहा है और अगर हम आगे जाए तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आई होप दिस इज विजिबल ये हाइलाइटर का कलर हमें चेंज करना होगा इट लुक्स बेटर तो फर्स्ट हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन है जो मनी यहाँ पे आ, आ, कर रहा है अगर आप मान लीजिए मनी नहीं होता है ना अज्यूम करते हैं मनी इज नॉट देयर तो आपको अपना जो आ, कोई भी असेट है या फिर आ, अपनी जो वेल्थ है उसको स्टोर करना है हाउ डू यू सपोज टू डू दैट तो किसान क्या करेगा किसान जैसे गेहूं कल्टीवेट कर रहा है तो अब वो गेहूं बेच के पैसा आ, नहीं मिल रहा है वो वस्तुओं का ही एक्सचेंज होगा क्लियर गोल्ड है या वटवर उस फॉर्म में कर सकता है या फिर क्या होगा अगर आप उसी को स्टोर करके रख रहे हो जैसे गेहूं है या कोई भी है चावल है तो वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ ये हैं कुछ समय बाद ख़राब हो जाएंगे है ना जल्दी नहीं होंगे बट स्टिल ख़राब हो जाएगा ना उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह लग रहा है ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रख सकते तो उसको स्टोर करने का अलग कॉस्ट आएगा और आप संभाल के रख रहे हो तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है लेकिन वहीं किसान ने क्या किया अगर अपना गेहूं बेच दिया और उससे पैसे आ गए मान लीजिए एक लाख रुपए का गेहूं बेचा तो उसको उसको स्टोर करना कंपैरेटिवली इजी है है ना तो यहाँ पे ये क्या करेगा इसके माध्यम से जो है स्टोरेज कॉस्ट आपका ये कम रहता है है ना स्टोरेज कॉस्ट आपका कम रहता है सिंस मनी इज नॉट पेरिशेबल ऐसा नहीं है कि एक लाख रुपए आपके घर में पड़ा है तो एक महीने में वो नोट खराब हो जाएगा या एक साल में खराब हो जाएगा है ना उनको अच्छी कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने रखा है सो डेफिनेटली इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन डिमोनेटाइजेशन का ध्यान है ना वो रखना पड़ेगा कि पता चला काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके रखा है और फिर डीमोनेटाइजेशन हो जाता है ना देन ऑल मनी इज गॉन चलिए डीमोनेटाइजेशन का भी एक छोटा सा पैराग्राफ है चैप्टर के लास्ट में उसको भी हम देख लेंगे यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस डीमोनेटाइजेशन जब अचानक से 2016 हज़ार में एकदम से अनाउंस किया गया कि आपके जो 500 और हजार के नोट है वो वैलिड नहीं रह गए हैं है ना वो नहीं चलेंगे खैर तो ये हो गया कि डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द दर सिस्टम बार्टर सिस्टम के अंतर्गत आप अपनी जो वेल्थ है उसको आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते मान लीजिए बहुत सारा आपने एक पर्टिकुलर मटेरियल बनाया है कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो उसको कैसे आप स्टोर रख के कैसे आगे वो करोगे वहीं अगर उसको आपने एक्सचेंज कर लिया मनी के बदले में सो इट विल बी कंपेरेटिवली वेरी इजी फॉर यू टू कैरी फॉरवर्ड योर वेल्थ एज वेल एज स्टोरेज स्टोर ऑफ़ दैट पर्टिकुलर थिंग इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है ना तो मनी uh, जो है स्टोर uh, करके आप रख सकते हो क्योंकि कि किसी भी समय पे किसी को भी एक्सेप्टेबल है जैसे अगर आपने वीट जमा करके रखा है कि अब मुझे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं लोगों को गेहूँ दे दूँगा है ना और उनसे वो ले लूँगा अब सामने वाले को मान लीजिए गेहूँ चाहिए ही नहीं तो ये वाला केस जो है मनी के साथ नहीं है इसीलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और स्टोरेज की यूनिट के रूप में भी ये काफ़ी ईजी होता है लोग रखते हैं ना घरों में पैसा रखते हैं कैश रखते हैं क्यों रखते हैं आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा कैश लेके जाते हैं क्लियर पता नहीं पे नेट काम करेगा नहीं करेगा ए में पैसा होगा नहीं होगा सो so स्टिल uh, जब भी आप जा रहे हैं क्योंकि ये uh, कई बार एक्सपीरियंस uh, मतलब हुआ है मुझे भी क्योंकि हमारी क्या आदत बन गई है अब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की सो दिस इज़ इंडीड वेरी गुड थिंग है ना आप जहाँ पे पॉसिबल है डिजिटल करिए वो अच्छी चीज़ है बट स्टिल यू शुड बी हैविंग समथिंग इन कैश है ना थोड़ा सा कैश भी आप रख लीजिए क्योंकि कई जगह पे अगर नेट काम नहीं कर रहा है वो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन स्टिल यू नीड दैट कैश इन योर पॉकेट है ना ए टी पे पैसा नहीं है देन वट विल यू डू तो थोड़ा सा कैश हमेशा होना चाहिए खैर तो यहाँ पे अगर आपने कैश में स्टोर कर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं है जबकि अगर आपने स्टोरेज किसी कमोडिटी फॉर्म में किया है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी उसी चीज़ को ये कह रहा है कि वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मनी फॉर द फ्यूचर यूज आप कर सकते हो क्योंकि अगर आपने पैसे अपने रखे हैं चाहे वो बैंक बैलेंस में है या कैश में रखा है तो आप कोई भी वस्तु की आपको ज़रूरत है तो आप उसके बदले में मनी के बदले में उसको एक्सचेंज कर सकते हो अब इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर हमेशा एक जैसी रहती है या क्या होती है इरोड हो जाती है अगर हम बात करें आज से दस साल पहले आज से दस साल पहले मैं बात करूं कि एक लाख रुपए में आप जो चीज़ें खरीद सकते थे क्या आज भी एक लाख रुपए में उतनी ही वस्तुएं आप ख़रीद सकते हो लेटेस से कि हम कुछ कपड़ों की बात करें एक बास्केट बना दें जिसमें आपका एक जीन्स टी शर्ट हो गई या फिर हम दस हज़ार रुपये की बात करते हैं एक लाख की जगह है ना दस हज़ार की बात करते हैं जहाँ पे आपका वन पेयर शू हो गया है ना आपके कपड़े हो गए और जो भी आइटम्स हैं लेटस से तो क्या दस हज़ार में दस साल पहले जितना आप ले सकते थे कि आज भी उतना लोगे तो आप कहोगे नहीं आज उसी प्रोडक्ट के लिए उतनी ही वस्तुओं के लिए आज हमें हो सकता है पंद्रह हज़ार खर्चा करना पड़े है ना सोलह हज़ार खर्चा करना पड़े इट डिपेंड्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये महंगाई पे महंगाई मतलब इन्फ्लेशन पे क्योंकि हर साल चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं क्लियर कुछ बच्चे कहेंगे सर पार्ले जी तो अभी भी पाँच रुपये का ही आता है तो वो पार्ले जी जो पाँच रुपये का आता है अभी भी आता है ना पाँच रुपये का लेकिन उसका साइज छोटा हो गया आपने नोटिस किया होगा और वो बहुत लंबे समय तक इसी साइज के अंदर आता था पाँच रुपये का ही आता था इन लेकिन अभी जो पाँच रुपये का आ रहा है उसका साइज़ लगभग आधा हो गया तो आप ये कह सकते हो कि सर ये पाँच रुपये का पहले भी आता था अभी भी पाँच रुपये का आता है तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर भी प्रभाव पड़ा है ये जो इस तरह का जो चीज़ हो रहा है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो श्रिंक फ्लेशन जिसमें क्या हो रहा है कि आपको मान लीजिए ये पाँच में इतनी क्वांटिटी दे रहा है है ना अब पैसा उतना ही रखेगा लेकिन वो क्या करेगा क्वांटिटी कम कर देगा तो उसके लिए कॉस्ट कम हो गई ना जैसा क्या होता है चिप्स के पैकेट होते हैं इनमें भी ऐसा होता है मान लीजिए आपसे पहले बीस रुपए चार्ज किए जा रहे थे अब उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो बीस रुपए में आपको वो चीज़ नहीं दे सकते ओके okay, उनको वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी पच्चीस रुपए करना पड़ेगा लेकिन वो देख रहे हैं कि मार्केट कॉम्पिटेटिव है हम पच्चीस रुपए करेंगे तो कस्टमर हट जाएंगे तो वो क्या करते हैं वो बीस रुपए के अंदर पहले इतना बड़ा आपको साइज दे रहे थे चिप्स के पैकेट का आप थोड़ा छोटा कर देंगे ठीक है उसमें हवा ज़्यादा भर देंगे कुछ बच्चे कहेंगे सर हवाई होती है और तो कुछ होता नहीं है खैर तो ये इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट है जिसे हम कहते हैं महंगाई का जो इंपैक्ट है क्लियर महंगाई जिसे हम कहते हैं या मुद्रा स्फीति जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से क्या होता है जो मनी है है ना इसकी जो परचेजिंग पावर होती है क्या होती है परचेजिंग जो पावर होती है ये इरोड होती है ना इरोड होती है कम होती जाती है तो सौ रुपये आज आप देखिए कि आज सौ रुपये आप मंडी में लेके जाते हैं मार्केट में तो सफिशियंट नहीं होता है अगर आप लेने जा रहे हैं लेटर से कि एक हफ्ते के लिए अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं सो so, ठीक है एक फैमिली की अगर हम बात करें चार लोग हैं पांच लोग हैं तो दिस वॉन्ट भी सफिशियंट ठीक है लेकिन अगर दस साल पहले की हम बात करें तो सौ रुपये सफिशियंट कहीं कहीं हो जाता था है ना आज नहीं है और सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे एक लीटर दूध की प्राइस है तो आज क्या आ रहा है से सिक्सटी रुपीज आ रहा है है ना एक लीटर दूध का प्राइस जो है पचास से साठ के बीच में वेरी कर रहा है हम साठ रुपए मान लेते हैं लेकिन यही प्राइस दस साल पहले कितना रहा होगा चालीस रुपए रहा होगा तो आपको मिल तो वही रहा है वन लीटर मिल्क ही मिल रहा है है ना एक लीटर मिल्क ही मिल रहा है दस साल पहले एक लीटर मिल्क चालीस रुपये में मिल रहा था आज वही एक लीटर मिल्क साठ रुपए में मिल रहा है मतलब मनी की जो परचेजिंग पावर है ये कम हो गई है इरोड हो गई वाई इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस लेवल जो राइजिंग प्राइस लेवल है जनरल जो प्राइस लेवल जब राइज करता है कंसिस्टेंटली उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लेशन सामान्य भाषा में कहें तो महंगाई जब चीजें महंगी होती है तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है परचेजिंग पावर जो मनी की होती है इरोड e हो जाती है तो ये एक कंसर्न वाला इशू है ठीक है तो अभी इंडिया में तो चीजें ठीक है आप कहोगे सर इतना भी दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हम दूसरी इकोनॉमीज की बात करें फाइन जैसे हम बात करें जिम्बाब्वे है या फिर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं लाइक अर्जेंटीना इज़ देयर वहाँ पे इन्फ्लेशन के लेवल बहुत ज़्यादा है ठीक है तो लोग इस तरह से स्टोरेज करने का नहीं सोच सकते कि एक लाख रुपए हैं चलो हम बचा के रखते हैं अगले साल काम आएगा वो एक लाख रुपये की अगले साल आते आते वैल्यू बीस के आसपास चली जाएगी उससे भी कम चली जाएगी तो लोग क्या करते हैं या तो उसको कन्वर्ट करेंगे गोल्ड के अंदर या फिर किसी ऐसी स्टेबल करेंसी जैसे डॉलर में कन्वर्ट कर लिया उसमें स्टेबल रख रहे हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू दिस काइंड ऑफ कमोडिटी थिंग्स मनी क्या कर रहा है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि इसकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम है इजीली एक्सचेंज हो जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी मना नहीं करेगा क्लियर और फिर वेल्थ जो होती है इसको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं तो ये सारे फंक्शन हैं मनी के ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सम कंट्रीज हैव मेड एन एन अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड्स व्हिच यूज द लेस ऑफ कैश एंड मोर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारे कंट्रीज इस तरफ मूव कर रहे हैं क्या इंडिया भी इस तरफ मूव कर रहा है इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ ग्लोबल लीडर यहाँ पे हमें कहना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेज इंडिया को मिली है जिस तरीके से इंडिया ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया है डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब जैसा आप करते हो ना यू से पेमेंट कर दिया इंटरनेट बैंकिंग की चर्चा हो रही है फ़ोन पे से एम इन सब का यूज़ कर रहे हो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो जो कैश आपका हो रहा है ट्रांजेक्शन फ़ाइन उसकी चर्चा हो रही है तो काफ़ी सारे कंट्रीज इस तरफ मूव कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ और इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरफ मूव कर रही है और हम देखेंगे आज के समय पे जितना ज़्यादा एक्सेस हो गया है लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन का स्पेशली स्मार्टफोन का ठीक है स्मार्टफोन का एक्सेस हो गया इंटरनेट का एक्सेस हो गया तो ऑनलाइन जो पेमेंट है या डिजिटल जो पेमेंट है फाइन या कैश जो ट्रांजेक्शन है जिसमें जो फिजिकल कैश है जो करेंसी नोट और कॉइन की हम बात कर रहे हैं, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो समोसा खाने भी अगर आप जा रहे हो चाय पीने जा रहे हो ठीक है तो चलो पेटीएम कर देते हैं ठीक है ऐसा ही होता है हर जगह पे आपको पेटीएम और इस तरह से मतलब जो भी यू रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं फोनपे वगैरह एक्सेट्रा भीम ऐप है इन सब का ऑप्शन मिल जाता है इन सबका ऑप्शन आपको मिलता है सो so, स्मार्टफोन uh, है इन सबका अब आप, आप कह सकते हो कि सर स्मार्टफोन सबके पास तो नहीं होते है ना इंटरनेट कनेक्शन सबके पास नहीं होता तो वहाँ पे भी uh, हम काम कर रहे हैं और ये थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ इंडिया के लिए जो uh, जो जो यहाँ पर डील करता है वो है एन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे ये लिखा है ना नेशनल फाइनेंशियल स्विच तो जो ए वगैरह है उसकी डीलिंग पहले ये करता था अभी एन कर रहा है ए रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जो भी पेमेंट सेटलमेंट है लेन है वो सारा एन देखता है और एन ने ही यू सिस्टम को डेवलप किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको आप यूज़ करते हो ना यू से पेमेंट कर देते हैं क्यू कोड स्कैन करके नंबर डाल के रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर होता है यू तो ये एन ने डेवलप किया है रुपए कार्ड एन ने डेवलप किया है फाइन भीम ऐप है एन ने डेवलप किया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक तरह की नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसको बनाया गया आर के इनिशिएटिव के माध्यम से सो so, एन ये भी कह रहा है कि ठीक है अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक रिसेंटली uh, अभी एक सर्विस इन्होंने चालू की है यू पी आई वन टू थ्री करके मतलब आपके पास नॉर्मल वो बटन वाले फ़ोन भी हैं स्टिल यू विल बी एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जैसे आप कॉल करिए तो आपको ऑप्शन देगा गैस पेमेंट करना है तो एक दबाओ दो दबाओ समथिंग लाइक दिस तो कुल मिला कहने की बात यह है कि द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुआर्ड्स वेरियस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स टू इंक्रीज दिस डिजिटल ट्रांजेक्शन ओवरऑल क्योंकि अगर हम देखेंगे यूपीआई के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हुआ है दो हजार इक्कीस में आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज ऑलमोस्ट नियर टू थोड़ा सा कम है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू वट वन ट्रिलियन डॉलर नाइन हंड्रेड एंड समथिंग बिलियन है तो हम इसको वन ट्रिलियन मान रहे थे दिस इज यूज बहुत बड़ा ये अमाउंट है ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि कितने ज़्यादा यूपीआई पी ट्रांजेक्शन पॉपुलर हैं क्यों है पॉपुलर जो चीज जितनी सिंपल है जितनी सिक्योर है क्लियर और जितनी फास्ट है वो उतना पॉपुलर है तो यूपीआई ट्रांजेक्शन से सिंपल क्या होगा बस फटाफट आपको कोड स्कैन करके अपना वो कोड डालना है ऑल तो दिस इज़ हैपनिंग और गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि इसके माध्यम से इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं उससे हमें और क्या हेल्प मिल रही है हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा ये जो गोल है ये भी अचीव करने में हेल्प मिलती है सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वनरेबल सेक्शन है या जो पुअर पीपल हैं ठीक है जैसे हम गाँव में बात करें स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो गरीब आदमी हैं उनके पास में जो फाइनेंशियल या जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनका एक्सेस प्रोवाइड कराना उनको क्या करना फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड कराना जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई बेसिक कि वो अपना पैसा डिपॉजिट करा सकें है ना वहाँ से निकाल सकें पेमेंट कर सकें लोन की जरूरत है तो उधार ले सकें ठीक है क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना तो ये क्या हो गया ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्लियर जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको हम ये सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये सब हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी है ना डिजिटल फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल आप कहोगे सर कैसे कर रही है गरीब आदमी के पास ये नहीं हो सकता स्मार्टफोन नहीं हो सकता ठीक है कुछ भी नहीं है बट स्टिल उनको गवर्नमेंट ने क्या किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें जो है जीरो बैलेंस पे ये अकाउंट खोले गए हैं तो सरकार यहाँ पे हर हाउस होल्ड पे एक अकाउंट प्रोवाइड करा रही है और काफी सक्सेसफुल ये रही है तो अगर आपका बैंक में खाता है आधार नंबर से उसको सरकार ने जोड़ रखा है तो अगर आपका बैंक का खाता आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है मिनी एटीएम प्रोवाइड करा रखे हैं अगेन दिस इज काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एनपीसीआई फाइन जिसमें क्या है आपको जिसे हम कहते हैं आधार पेमेंट सिस्टम क्या कहते हैं आधार पेमेंट सिस्टम जिसमें क्या होगा गांव में कोई व्यक्ति है तो वो इस पे जाएगा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम मिनी एटीएम टी एम टाइप्स रखें वहाँ पे जाके वो अपनी आधार की आइडेंटिटी जो है इन्श्योर करेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जो उसका खाता जुड़ा हुआ है फिर वो वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकता है इस तरीके से तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए हैं है ना वो चाहे तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दे रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया को ले जा रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं क्या क्या रिफ़ॉर्म्स हैं किस किस तरह से हैं वो मैंने कुछ आपको रियल टाइम अभी जो वर्तमान में चीजें हो रही हैं वो एग्जाम्पल देके आपको बता दिया है लास्ट फ्यू ईयर्स इनिशिएटिव जनधन योजना आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यही है जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ठीक e है ई वॉलेट्स आपके हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो आधार uh, ये ए टी एम रिलेटेड ट्रांजेक्शन को डील करता था अभी एन पी सी आई के पास है दे हैव स्ट्रेंथ दैट गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू गो कैशलेस जितना कम से कम कैश का यूज हो उस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है ठीक है कैश का यूज कम होगा तो उससे फायदा क्या है You would be wondering, एक तो क्या हो गई चीजें आसान हो गई चीजें क्या हो गई? आसान हो गई गई आसान है क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट अगर पे करना है मान लीजिए आपको घर खरीदने जा रहे हो एंड फिर तो आप सोचिए इतना सारा पैसा कैसे खैर वो चेक और उनके माध्यम से भी हो सकता है बट स्टिल अगर हम बात करें कि क्या इससे बेनिफिट हो रहा है तो एक जो पैरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं ना जो करप्शन है ब्लैक मनी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी क्योंकि वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स हैं तो उससे हमें ब्लैक मनी जैसी करप्शन जैसी समस्याओं से भी उसमें हेल्प हमें मिल सकती है उनको डील करने में भी चलिए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इसका मतलब समझिए इस पर कई क्वेश्चन होते हैं मीन्स के अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी मनी की जरूरत क्यों है डिमांड क्यों है और उसकी सप्लाई कैसे यह इंश्योर की जा रही है सप्लाई के वेरियस मीजर्स क्या है देखिए मनी की जरूरत क्यों है सबसे अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वे में देखें तो दो तरह से हैं एक तो है ट्रांजेक्शन मोटिव कि हमें ट्रांजेक्शन करना है लेटस से कि आपको अपने घर का बिजली का बिल पे करना है है ना फिर आपको कुछ और ज़रूरत है मान लीजिए राशन का सामान लेके आना है घर का जो भी सामान है कभी कपड़े की ज़रूरत पड़ गई कभी कपड़े खरीदने वाट एवर इट इज़ तो ट्रांजेक्शन परपज़ से आपको पैसे की ज़रूरत है दिस इज़ फॉर श्योर है ना टू कंडक्ट द ट्रांजेक्शन्स मनी इज़ रिक्वायर टू कंडक्ट द ट्रांजेक्शन्स अब जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होगा उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी दिस इज़ फॉर श्योर क्लियर मान लीजिए आपकी लेटेस्ट से कि ट्रांजेक्शन हंड्रेड रुपी है ठीक है तो उस हिसाब से अगर ट्रांजेक्शन जब डबल हो जाएंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगा तो क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन जो है उसके ऊपर आपकी क्या है ये डिमांड डिपेंड करेगी और क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंड करेंगे अगर आपकी इनकम ज्यादा है डेफिनेटली ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है सौ रुपए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है हजार रुपए तो कौन ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा होगा ऑब्वियसली ये हजार रुपए वाला ज्यादा कर रहा होगा ना टू नीड टू डू दिस ट्रांजेक्शन थिंग फर्स्ट यू नीड टू हैव दिस मनी ना पहले पैसा तो हो तब ट्रांजेक्शन करें क्लियर तो आपका जो क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है इनकम पे डिपेंड करता है तो जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी डेफिनेटली हम देखेंगे कि डिमांड है मनी का ये भी इंक्रीज करेगा मतलब इनकम बढ़ी तो डिमांड भी मनी का बढ़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए उसकी डिमांड बढ़ रही है अब हो गया ये तो हुआ ट्रांजेक्शन मोटिव के हिसाब से और इसको अगर हम और एक परस्पेक्टिव लिंक करें डिमांड फॉर मनी आपका क्या हो रहा है इंक्रीज इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका ये भी इंक्रीज हो रहा है और अगर हम बात करें कि आपका जो जीडीपी है या जो ऐसे नॉमिनल जी अभी हम पढ़ के आए जी डी पी इज वॉट आपका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन है फाइनल प्रोडक्शन है उसका मार्केट वैल्यू तो अगर आपका जीडीपी डी है इससे भी ये पॉजिटिवली कॉरिलेटेड रहेगा ठीक है अब हम बात करें डिमांड फॉर मनी तो स्पेक्युलेटिव पर्पज से भी है स्पेकुलेटिव पर्पज से भी है स्पेकुलेटिव पर्पज का क्या मतलब है स्पेक्युलेटिव पर्पज मीन्स मनी एंड बैंकिंग ही आपका चल रहा है मनी एंड बैंकिंग ही आपका चल रहा है स्पेकुलेटिव पर्पज का मतलब हो गया कि अगर हम देखें जो मनी आप रख रहे हो तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कोस्ट इन्वॉल्व है इसको थोड़ा समझते हैं ठीक है मान लीजिए ये एक पर्सन है ए पर्सन है ठीक है इसके पास टोटल मनी है हंड्रेड रुपी इसके पास पैसा है हंड्रेड रुपी के पास पैसा है तो ये पैसा पैसा अपने साथ कैश में रखेगा मतलब अपने पास रखेगा या बैंक में रखेगा बैंक में इसको डिपॉजिट करेगा तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा एक तो उसको कितने पैसे की जरूरत है लेटेस्ट से कि उसको अपने रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शन परपज के लिए आप कहोगे कि ट्वेंटी रुपीज़ की जरूरत होती है मंथली एवरेज के हिसाब से बचा हुआ अस्सी रुपये वो, वो कहाँ पे रखेगा क्लियर तो अगर हम देखते हैं कि बैंक जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं पाँच की पाँच परसेंट की बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि घर पे रखा हुआ कैश है तो उसके ऊपर कुछ आपको मिल तो रहा नहीं है अगर हम बात करें इन्फ्लेशन अगर कितना है लेटस से कि इन्फ्लेशन चार परसेंट है या इन्फ्लेशन कितना है छः पाँच परसेंट है इन्फ्लेशन पाँच परसेंट है तो आपका आ, या फिर छः परसेंट है तो आपका वो जो घर पर पैसा पड़ा है अगर मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन छः परसेंट है सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन है तो आपकी मनी की परचेजिंग पावर इरोड हो रही है ना सिक्स परसेंट से तो घर पे पैसा पड़ा है तो आपको कुछ वहां पे इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा तो सिक्स परसेंट से वो उसकी परचेजिंग पावर इरोड हो रही है आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है ठीक है तो आप यहां पे देखोगे कि यार मुझे घर पे पैसा पड़ा है इसका फायदा नहीं है क्यों ना मैं बैंक के अंदर ये पैसा जमा करा दू डिपॉजिट यहां पर करा दू क्यों क्योंकि यहां पर पैसा आ जाएगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पांच का इंटरेस्ट तो मिलेगा ठीक है मुझे एक का नुकसान होगा अगर छह का इन्फ्लेशन है लेकिन पाँच परसेंट इंटरेस्ट तो मिल रहा है घर पे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है मुझे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा पैसा यहाँ जमा कराएगा ये जो ए बंदा है ये पैसा बैंक में जमा कराएगा क्योंकि यहाँ पे इसको फ़ायदा हो रहा है पाँच परसेंट का ठीक है एक तरह की इनकम हो रही है फिर ये कोशिश करेगा कि मुझे बीस रुपए की रिक्वायरमेंट होती है क्यों ना इस रिक्वायरमेंट को और मैं टाइट करूँ पंद्रह रुपये की ही कर लूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कराऊँ है ना तो पहले इसने अस्सी रुपये कराया था फिर बाद में एट्टी फाइव रुपीज़ कराया क्यों क्योंकि जितना ज्यादा पैसा बैंक में होगा उतना इसको इंटरेस्ट मिलेगा उतना पैसा एक तरह से इनकम के रूप में मिल रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे आप अगर हो है ना आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या करोगे क्या घर पे पैसा रखोगे या फिर उसको जमा करा दोगे क्या करोगे आप क्या घर पे पैसा रखोगे या फिर उसको बैंक में जमा करा देंगे वट यू विल डू हेलो परशु, वेलकम टू द क्लास हेलो सोपाना वेलकम टू द क्लास आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये हमारी बाइलिंगुअल क्लास है ना इन विच वी आर एक्सप्लेनिंग इन द हिंदी एंड इंग्लिश एंड द कंटेंट इज एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश कहाँ पे आपको पैसा रखना है क्या घर पे रखना है या बैंक में रखना है सो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग फॉर द बैंक कि सर बैंक में रखेंगे घर पे क्यों रखेंगे फिर एक और कंडीशन में यहाँ पे आपको बताता हूं जहां पे क्या है बॉन्ड जो है इशू किया जा रहा है बॉन्ड इशू किया जा रहा है बॉन्ड एक तरह का क्या होता है इसको मानिए अभी के लिए एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है मतलब जो भी एंटिटी बॉन्ड इशू करेगी मान लीजिए सरकार ने सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या किया है बॉन्ड इशू किया है तो जो भी एंटिटी बॉन्ड को इशू कर रही है क्लियर वो क्या कर रही है उधार लेना चाह रही है और आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो आप उधार देने वाले हो गए तो सरकार अगर बॉन्ड इशू करती है लेट अस से कि सरकार ने यहाँ पे अस्सी रुपए का बॉन्ड निकाला अस्सी रुपए का बॉन्ड निकाला तो इसका क्या मतलब है सरकार एक पेपर का टुकड़ा हो गया वो है ना एक पेपर का टुकड़ा है जिसपे सरकार इस इस तरह से ये रहेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई डज द जॉब तो गवर्नमेंट ने ये अस्सी रुपए का ये आपको बॉन्ड इशू किया ये पेपर इशू किया और आप क्या करेंगे अस्सी रुपए वो पेपर अपने पास रखोगे और अस्सी रुपए सरकार को या जो भी फर्म है कोई भी जो बॉन्ड इशू कर रही है उसको दे दोगे ठीक है तो जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो क्या कर रहा है उधार ले रहा है और जो बॉन्ड खरीद रहा है आपने बॉन्ड खरीदा वो पेपर आपने खरीद लिया आप उधार दे रहे हो मतलब अस्सी रुपए सामने वाले को दे दिया आपने तो यहाँ पे आप अब एक और ऑप्शन आपको मिल गया क्यों क्योंकि सरकार ने जो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इशू किया है लेटेस्ट से गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है इस पे जो कूपन रेट है इस पे जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं कूपन रेट कूपन रेट क्या होता है एक तरह का इंटरेस्ट रेट ही होता है ब्याज दर होती है तो ये मान लो दस परसेंट आपको दे रहा है कि हम आपको है ना दस परसेंट का रिटर्न देंगे तो अब आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे क्लियर अब आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली यू वुड बी जंपिंग फॉर द बॉन्ड्स आप देखोगे कि हाँ वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो वहां पे जाते हैं क्लियर है तो इस तरीके से क्या होता है ये अब डिपेंड करेगा है ना मान लीजिए अब बैंक के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है लेटेस्ट से पांच परसेंट बैंक ऑफर कर रहा था अब बैंक यहां पे आठ परसेंट ऑफर कर रहा है और बॉन्ड पे जो आपको यील्ड मिल रही है है ना बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिल रहा है उसके अगर हम चर्चा करें हैं, इसको अगर आप देखोगे ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड की ऑफर की जाती है वो ऑफर की जाती है फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू क्या हो गई इसको अगर हम समझें वापस एक और लेते हैं बॉन्ड जैसा मैंने आपको बताया बॉन्ड हो गया बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट बोरोइंग और डेट इंस्ट्रूमेंट बोरोइंगेट इंस्ट्रूमेंट अब बॉन्ड जिस वैल्यू पे इशू किया गया है वो हो गया वैल्यू वैसे ये चीज इतनी डिटेल में तो नहीं है बट एग्जाम में पूछी जाती रही है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए हेल्प ही करेगी आपको पेस वैल्यू जिस वैल्यू पे बॉन्ड को फर्स्ट टाइम इश्यू किया गया अब बॉन्ड पे आपको कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो दी गई है लेटेस्ट से टेन परसेंट दिया गया है इंटरेस्ट रेट दिया गया है। तो अगर मैं बॉन्ड की यील्ड निकालता हूं ये क्या होती है सर तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है सामान्य भाषा में अगर मैंने सौ रुपए लगाए तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है तो यहां पे बॉन्ड की जो प्राइस है सौ रुपए है कूपन रेट दस परसेंट है तो सौ रुपए का दस परसेंट क्या हो गया दस रुपए है ना दस रुपए हो गया आपको यहां पे दस रुपए मिल रहा है आपने सौ रुपए लगाए तब आपको दस रुपए मिल रहा है मतलब आपको रेट ऑफ रिटर्न या बॉन्ड यील्ड कितना हो गया दस परसेंट हो गया अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड की जो प्राइस है प्राइस है, ये भी बढ़ जाएगी लेटर से अब दो सौ रुपए हो गई बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है तो हम अज्यूम करते हैं ट्राई टू मेक इट सिंपल बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है बढ़ के दो सौ हो गई अब जो व्यक्ति दो सौ लगाएगा उसको कितना मिल रहा है दस रुपये मिल रहा है क्यों क्योंकि कूपन रेट जो ऑफर किया जाता है फेस वैल्यू पे ऑफर किया जाता है जिस वैल्यू पे उसको जारी किया गया है बॉन्ड को तो अब व्यक्ति को दो सौ रुपये लगाने पर दस रुपये मिल रहा है मतलब अब रेट ऑफ रिटर्न या बॉन्ड क्या हो गया पाँच हो गया पाँच हो गया ठीक है इसी तरह से अगर ये बॉन्ड की डिमांड कम होती है इसकी प्राइस कम हो जाएगी लेटर से पचास रुपए हो गई तो बॉन्ड की यील्ड कितनी हो जाएगी बीस परसेंट हो जाएगी तो ये जो यील्ड है ये मैटर रखती है है ना रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कह रहे हैं ये मैटर रखता है अब ये क्या है ये फ्लक्चुएट कर रही है कभी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ठीक है पाँच भी हो रही है दस भी हो रही है इस तरीके से तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें अगर हम यहां पे चर्चा करें वापस उसी एग्जाम्पल पे जाए जहां पे क्या है उस व्यक्ति ने कैश रखना है उस व्यक्ति ने बैंक के अंदर डिपॉजिट करना है या फिर उस व्यक्ति ने बॉन्ड बॉन्ड में बॉंड हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है एनी काइंड ऑफ असैट यू कैन मेंशन बॉन्ड या फिर एनी काइंड ऑफ असैट यहाँ पे लिख सकते हो किसी भी चीज में उसको इन्वेस्ट करना है तो किस चीज पे डिपेंड करेगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप एक ऑप्शन को जा रहे हैं तो जो दूसरा ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं उसके बेनिफिट को जो आप छोड़ रहे हैं ठीक है दिस इज द कोस्ट हिस्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने अगर सौ रुपये पूरा का पूरा कैश में रखा होता तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन बैंक इस केस में पांच परसेंट ऑफर कर रहा है तो वो क्या करेगा बैंक के पास चला जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड दस परसेंट ऑफर कर रहा है तो वो यहाँ से फिर उठ के यहाँ पे आ जाएगा लेकिन फिर चीजें चेंज होती हैं चेंज होती है का क्या मतलब है जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो बॉन्ड पे रिटर्न मिल रहा है यील्ड मिल रही है वो मान लो पांच परसेंट ही हो गई और बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आठ परसेंट कर दिया होता है ना बैंक डिपॉजिट जैसे आप, आपसे आप, आपको जिस रेट पे लोन दे रहे हैं वो, वो भी ऊपर नीचे चलता है और आपको जो ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं डिपॉजिट पे आपके जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं वो भी ऊपर नीचे चलता है तो मान लीजिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट बढ़ा दिया और यहाँ पे कम हो गया तो आप क्या करोगे यहाँ पे आ जाओगे क्लियर समथिंग लाइक दिस तो ये पूरा जो वेरिएशन है ये स्पेकुलेटिव उसके अंदर आएगा है ना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जो ट्रांजेक्शन और स्पेकुलेशन के बेसिस पे आपकी क्या है डिमांड क्रिएट हो रही है फाइन तो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो जो डिमांड है बेसिकली मनी की उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है आपको पैसा कहाँ रखना है नहीं रखना और जो डिमांड क्रिएट होगी वो दो बेसिक्स पर्पज़ से होगी एक तो होगा ट्रांजेक्शन पर्पज़ से कितना पैसा मुझे चाहिए अपना खर्चा मैनेज करने के लिए अगर आपका कम पड़ रहा है सो यू विल ट्राई टू मैनेज अदर काइंड ऑफ थिंग्स उधार ले रहे हो कहीं और से अरेंज कर रहे हो या फिर स्पेक्यूलेटिव मोटिव जिसको अभी मैंने आपका डिस्कशन किया है इतना समझ आया ओके लुक पद्मावती दिस इज द चैनल वेयर वी टेक द क्लासेस इन बाई ओनली है ना मतलब इंग्लिश में क्लास होती है दिस इज द नेचर ऑफ दिस चैनल देयर इज अ सेपरेट चैनल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट फाइन तो ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स आर हियर एंड फॉर दिस काइंड ऑफ मोटिव डेफिनेटली देयर इज अ डिमांड ऑफ द मनी एंड हाउ दिस डिमांड ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द जीडीपी पॉजिटिवली पॉजिटिवली रिलेटेड है आपका जीडीपी से क्लियर तो ये सब चीजें हमने देखी आगे अगर हम मूव करें एल्स डू वी हैव हाउ मच मनी पीपल कीप ऑलो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अभी हमने देख लिया अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर की जा रही है, है ना तो लोग क्या करेंगे अपने पास नहीं रखेंगे बैंक में जमा करेंगे बैंक में जमा करेंगे तो डेफिनेटली जो डिमांड है ठीक है ना मनी की वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जब इंटरेस्ट रेट आपकी ज़्यादा होती हैं तो मनी की डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि अब लोगों को पैसा नहीं चाहिए एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्लेस देयर मनी इन द बैंक अकाउंट्स वाई बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिटर्न वाई दे आर गेटिंग गुड रिटर्न बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज गॉन अप इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है आगे अब हम आते हैं सप्लाई ऑफ मनी डिमांड से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एग्जाम के परस्पेक्टिव से हालांकि डिमांड वाला कॉन्सेप्ट भी समझने की जरूरत है बट इंपॉर्टेंस के हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक दो बार नहीं सो मेनी टाइम्स यूपीएससी हैज आस्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट सप्लाई ऑफ मनी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम समझेंगे पूरा अच्छे से मनी जो है एक तो आपका हो गया कैश फॉर्म के अंदर कैश मतलब जो नोट हैं जो कॉइन्स हैं जो फिजिकल करेंसी की हम बात कर रहे हैं फिजिकल करेंसी की बात कर रहे हैं लेकिन क्या आज के टाइम पे जो मनी है वो केवल और केवल कैश से ही माना जाएगा आप कहोगे नहीं सर हमारे बैंक में जो बैलेंस है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मनी थिंक है ना तो बैंक डिपॉजिट हैं कैश है ये सब मॉडर्न इकनॉमी में क्या है मनी के फॉर्म्स हैं और इसलिए हम देखेंगे कि मनी को आ, आप कितनी आसानी से यूज़ कर सकते हैं है ना मनी को कितनी आसानी से किसी और आ, उसके लिए आप एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ क्या किए हुए हैं मीज़र्स ऑफ मनी या मीज़र्स ऑफ मनी सप्लाई हम डिसाइड करेंगे लिक्विडिटी uh, के बेसिस पे लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि कितनी आसानी से आप उसको यूज कर सकते हो जैसे मैं आपको कहूँ कि कैश है आपके पास में कैश है जेब में आपके कैश पैसा पड़ा है दूसरा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है बैंक अकाउंट में पैसा है किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होगी लिक्विडिटी मतलब किसे बड़ी आसानी से है ना यूज किया जा सकता है एक्सचेंज किया जा, जा सकता है तो डेफिनेटली विल बी सेइंग कैश इन हैंड इससे ज्यादा लिक्विड क्या होगा जेब में पैसा पड़ा है फटाफट यूज कर लो यहाँ तो बैंक जाना पड़ेगा निकालना पड़ेगा बैंक में भी हम जाएंगे तो डिपेंड करेगा कि क्या आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपका टाइम डिपॉजिट तो नहीं है मतलब आपने कोई एफ तो नहीं करा रखी है कि पांच साल के लिए पैसा ब्लॉक हो गया एफ करा रखी है तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के कंपेरिजन में क्योंकि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट क्या है डिमांड डिपॉजिट है आप जब भी बैंक से जब मर्जी हो तब बैंक से पैसा निकाल सकते हो ठीक है जबकि आपने एफ करा रखी है उसके इसमें ऐसा नहीं है थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसके बाद वो पैसा आपका अनब्लॉक होकर बाहर आएगा तो इन दोनों को कंपैरिजन करें सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा पड़ा है किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी आप कहोगे सर सेविंग अकाउंट वाले की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी क्या करना है एटीएम पे जाके बस पैसा ही तो निकालना है बैंक में जाके बस विड्रॉल फॉर्म ही तो भरना है तो यहाँ से तो पैसा बड़ी आसानी से निकलेगा एफ में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसकी लिक्विडिटी कम हो गई इसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो गई जो कैश आपके हाथ में है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है गेटिंग दिस तो दिस इज द वे हाउ दिस लिक्विडिटी बेसिकली वर्क्स और uh, इसी लिक्विडिटी के बेसिस पे हमने मनी सप्लाई के मीजर्स डिस्कस किए हैं जो आगे आपके आएंगे ठीक है उसी को एक बार देख लेते हैं मनी सप्लाई के जो मेजर्स हैं उसी पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं सप्लाई ऑफ मनी सिंस वी आर डूइंग दिस क्योंकि चीजें एक लिंक आपका बैठ जाएगा है ना उससे पहले वाला टॉपिक भी हम करेंगे बट पहले ये सप्लाई ऑफ मनी कर लेते हैं इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंसिस्ट मेनली ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन्स इशूड बाय द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कंट्री की मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अथॉरिटी है कि वो इस तरह से करंसी इशू कर सकता है ठीक है एक्सेप्ट एक्सेप्टन रुपी वी हैव दिस तो इन जनरल आरबीआई दिस जॉब अब होता क्या है करेंसी नोट के अलावा जो अकाउंट डिपॉजिट होते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में हमारे जो फिक्स डिपॉजिट एफ डी वगैरह टाइम डिपॉजिट होते हैं उनमें भी पैसा होता है फाइन तो जो uh, हमारे ये डिपॉजिट्स हैं जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट मतलब ऐसा खाता जिसमें से आपकी मर्जी हो तब पैसा निकाल लिया मतलब ऑन डिमांड आपने पैसा विड्रॉ कर लिया सो दिस बेसिकली इज़ नॉन एज डिमांड डिपॉजिट सम काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर वेयर यू ब्लॉक द मनी यू प्लेस द मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू गेट गुड रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जैसा होता है ना आपने एफडी करा दी तो वहां पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लेटेस्ट से कि छः परसेंट आठ परसेंट मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे आपको दो ढाई तीन परसेंट मिल रहा है करंट अकाउंट पे कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आपने वहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन आपका पैसा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्लॉक हो गया इस तरीके से ये आपके डिपॉजिट्स होते हैं और इसी तरह से उनकी क्या होती है लिक्विडिटी डिफाइन होती है लिक्विडिटी इनकी डिफाइन होती है और उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि जो मीजर्स हैं मनी सप्लाई के है ना वो आपके निकाले गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिक्विडिटी आर की तरफ से ये चार अल्टरनेटिव मीजर्स यूज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर मनी सप्लाई के मीजर्स मनी सप्लाई है टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या क्या इसमें होगा इसमें आपका आ रहा है एम वन इसमें है सी CU, यू मतलब करेंसी इन हैंड जो लोगों के हाथ में जो पैसा है जो फिजिकल करेंसी की हम चर्चा कर रहे हैं प्लस डिमांड डिपॉजिट तो एम वन में क्या आ गया करंसी इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट मतलब जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा है कौन से अकाउंट में है सेविंग प्लस करंट जो अकाउंट है इसमें जो पैसा आपका है और करेंसी इन हैंड ये दोनों मिलके M1 बना रही है ठीक है M1 वन मीजर ऑफ मनी सप्लाई जब हम नीचे जाएंगे तो आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक इनको जोड़ देंगे इसकी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम है बैंकों के कंपैरिजन में पोस्ट ऑफिस में जो जमा राशि है उसकी लिक्विडिटी कम होती है बिकॉज ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स है ना रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल या फिर आप मान लीजिए बैंकों से चीज़ें एक्सचेंज करना या वो डील करना बड़ा आसान है तो इसलिए आप देखोगे जब M1 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स जोड़ दिए तो M2 बन गया है ना जिसकी लिक्विडिटी M1 से कम है फिर आप क्या कर रहे हो एम वन के अंदर अगर टाइम डिपॉजिट जोड़ दिए जो होते हैं ना पांच साल के लिए एफ डी हो गई आठ साल के लिए करा दिया पैसा जमा इस तरीके से तो आपने क्या किया जब टाइम डिपॉजिट को यहाँ पे एड कर दिया एम वन के अंदर टाइम डिपॉजिट को एड कर दिया सो यू विल बी गेटिंग दिस एम थ्री जिसकी लिक्विडिटी एम वन से कम है ना तो एम वन से एम फोर की तरफ ऐसा जब हम आ रहे हैं एम वन से नीचे आ रहे हैं ना एम टू एम थ्री एम फोर तो ये क्या हो रहा है लिक्विडिटी डिक्रीज़ हो रही है लिक्विडिटी डिक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग एम फोर में क्या होगा एम थ्री के अंदर आपने जो पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट्स हैं, उनको ऐड कर दिया ठीक है तो ये आपका हो गया एम फोर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अलावा तो यू गेट दिस काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एम वन एम टू एम थ्री एम फोर इनको याद रखना कई बार क्वेश्चन है तो ये क्या हो गया मनी सप्लाई के मीजर हैं मनी सप्लाई मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो वापस से इसको रिवाइज करा देता हूं एम वन के अंदर क्या है जो भी लोगों के हाथ में करेंसी है है ना करेंसी इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंकों में ऐसा आपका डिपॉजिट जो ऑन डिमांड आप पैसा ले सकते हो तो सेविंग अकाउंट

क्या इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है नैरो मनी ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सप्लाई ऑफ मनी वाला मैंने मेंशन कर दिया था कि ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर अलोंग विद दिस मोनिटरी पॉलिसी टूल्स उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज़ है ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये क्या हो गया नैरो मनी इसको कहा गया और फिर हम बात कर रहे हैं कि जब आपने एम के अंदर आपके जो नेट टाइम डिपॉजिट्स हैं टाइम डिपॉजिट मतलब जो आपने पैसा रखा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पांच साल के लिए एफडी करा दी समथिंग लाइक दिस तो उसको जब आप एम वन में ऐड कर दोगे है ना यू विल बी गेटिंग एम थ्री एम थ्री क्या है ब्रॉड मनी कहा जाएगा और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मीजर है एंड दैट्स यू विल सी ये एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स ये भी इसका नाम है इसका नाम है एम थ्री का एम थ्री को एग्रीगेट मोनिट्री रिसोर्स भी कहते हैं एम थ्री को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है एम थ्री में जब पोस्ट ऑफिस के बाकी जो भी अदर काइंड ऑफ डिपॉजिट आप एड करोगे यू विल गेट दिस एम फोर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एम वन और एम थ्री और इनमें डिफरेंस क्या है एम वन और एम थ्री के अंदर वट इज द डिफरेंस डिफरेंस केवल इतना ही है कि एम वन के अंदर जब हमने टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया यू वी विल बी गेटिंग दिस एम थ्री और एम वन क्या था करेंसी इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ये एम वन था और यहाँ पे ये एम थ्री है आई होप दिस थिंग इज क्लियर और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे लिक्विडिटी घट रही है लिक्विडिटी मतलब कितना आसानी से आप उसको यूज कर सकते हो पैसे को कितने आसानी से उसको बिना ज़्यादा वैल्यू चेंज किए एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स दिस इज द आइडिया एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ये चार आपको ध्यान रखने हैं और ये चार अल्टरनेटिव मीजर्स हैं मनी सप्लाई के जिसको आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है नैरो मनी क्या है ब्रॉड मनी क्या है क्या लिक्विडिटी नीचे आने पे घटती है बढ़ती है दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच द यू पी एस सी एज ऑलरेडी आस्क और ये इसी तरह से क्वेश्चन काफी बनते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये हमने देख लिया एम एम वन इज द मोस्ट लिक्विड एंड ईजीएस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन ईजीएस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन सबसे कम लिक्विडिटी किसकी एम फोर की जो सबसे डिफिकल्ट है ट्रांजेक्शन के लिए तो ये है सप्लाई ऑफ मनी की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और ये आपने यहाँ पे देखा है ठीक है मनी क्रिएशन पे भी हम आएंगे अब हम पीछे आ जाते हैं वापस से बैक सप्लाई ऑफ मनी ये हमने डिटेल में चीज देख ली और ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है इसको अच्छे से पढ़ लें नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सेंट्रल बैंक देखिए अब जो सप्लाई ऑफ मनी है है ना मनी सप्लाई क्रिएट की जा रही है तो उसमें दो आ, जो है सिस्टम्स का रोल है एक तो हमारा जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है मतलब जो आर है उसका रोल है एक हमारे जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है है ना जो भी नॉर्मल बैंक्स हैं चाहे पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट हों जैसे एस है आई सी आई सी आई एच डी एफ सी वो सारे बैंक आ गए सेंट्रल बैंक में आ गया आर तो इनको दोनों को एक बार देखते हैं कैसे ये जो मनी सप्लाई है इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं इनको देखेंगे तो पहले सेंट्रल बैंक को देखते हैं और ये जो आर है है ना ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द नोट्स एंड अदर काइंड ऑफ फंक्शंस है ना रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई जैसे मार्केट में कितना पैसा रहेगा क्या पैसा ज़्यादा बढ़ाना है कि कम करना है वो सारा, सारा, सारा काम कौन करता है वो सारा काम सेंट्रल बैंक करता है ठीक है वो सारा काम कौन करता है सेंट्रल बैंक यहाँ पे करता है तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है शुरू में प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया थर्टी में फोर्टी में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार ने ऑनरशिप अपने हाथ में ले ली है अभी पूरी तरह से सरकार के पास है इसकी ऑनरशिप भारत सरकार के पास तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और इसके इम्पॉर्टेंट ये फंक्शनस हैं अब आर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके जो फंक्शन्स हैं उस पर भी यू ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और इतने सिंपल वे में क्वेश्चन हैं कि बच्चे कई बार उसको गलत भी करके आए हैं तो ये फंक्शंस भी देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से यूपीएससी प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में तो नहीं पूछेगा आरबीआई के फंक्शन क्या है कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं जो इस तरह से पूछ लेगा बट स्टिल प्रॉब्लम्स के अंदर पूछे जाते हैं ट्रिकी वे में सिंपल वे में ट्राई टू बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ फंक्शन अस सी इशू करता है करेंसी को ठीक है ना करेंसी इशू करता है कंट्री के अंदर दिस इज द सोल अथॉरिटी हियर इट कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस मैथड्स है ना मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है ये जो वेरियस मेथड्स हैं इसको हम नेक्स्ट uh, पार्ट में चैप्टर के उसमें डिस्कस करेंगे अभी के लिए इतना सब समझिए कि मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना है या घटाना है ये डिसीजन भी ये लेता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन कैसी स्थिति है क्या डिसीजन सही होगा उसके हिसाब से मार्केट में पैसा बढ़ाना है मनी सप्लाई बढ़ानी है या घटानी है वो डिसीजन इसका है इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्मेंट बैंकर टू द गवर्मेंट गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम कर रहा है मतलब सरकार को पैसे की ज़रूरत है सरकार को लोन लेना है, है ना या बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन मोनिट्री जो एडवाइस है वो सारा काम सरकार के लिए आर बी आई करता है जैसे सरकार को उधार लेना है तो सरकार बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू इस करेगी सो आर बी आई डज़ द जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आर बी आई यहाँ पर वो कर रहा है परफॉर्म फंक्शन कस्टोडियन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा फॉरेक्स रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है मेनली मेजोरिटी ऑफ द पार्ट फॉरेन करेंसी होती है हमारी क्या होती है फॉरेन करेंसी फॉरन करेंसी आपकी होती है हाँ ये आपकी एनसीआर टी की बुक है आ, ये जो वीडियो है इसका थमनेल जब आप देखेंगे सो यू विल गेट दिस बुक इस बुक का आपको वो मिल जाएगा जो ऊपर जिसे हम कहते हैं ना कवर जो होता है कवर तो so उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक है जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं दिस इज द ट्वेल्थ क्लास एन सी आर टी माइक्रो इकोनॉमी बुक नॉट माइक्रो इकोनॉमी माइक्रो वाली मत पढ़ लेना देन यू वुड बी वंडरिंग कि हाँ ये चैप्टर तो है ही नहीं ओके सो वी हैव दिस फॉरेक्स थिंक है ना तो फॉरन एक्सचेंज जो रिज़र्व होते हैं वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पार्ट क्या होता है फ़ॉरन करेंसी होती है जैसे इंडिया का जो फॉरेक्स है उसमें नाइन्टी परसेंट तो क्या है फॉरन करेंसी है फॉरन करेंसी दिस कुड बी एनी हार्ड करेंसी जो सबसे ईजीली यूज होती है पॉपुलर होती हैं ट्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होती है जैसे आप देखोगे डॉलर है यूरो है येन है पाउंड है ये सब बाकी बचे हुए में फिर और चीज़ें हैं जैसे गोल्ड हो गया एस है रिजर्व ट्रांच है वगैरह वगैरह तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है ना उसको ये मैनेज कर रहा है अभी इंडिया का होगा दिस शुड बी समवेयर अराउंड फाइव ठीक है लगभग पाँच के आसपास होना चाहिए अगर पिछले साल से सितंबर से इसको कंपैरिजन करोगे तो पिछले साल ये 640 बिलियन डॉलर पे था अभी ये 560-70 पे कुछ रहा होगा क्योंकि ये वैरी करता रहता है ऊपर नीचे होता रहता है इसको और डिटेल में लास्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे इसका कस्टोडियन है और क्यों इसका और मतलब ये रखता है ताकि जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज किया जा सके है ना रुपए की जैसे अभी रुपया चल रहा है 81 वन रुपए है या जो भी है एक डॉलर 81 वन रुपए है तो रुपया और ज़्यादा नीचे ना चला जाए उसके हिसाब से और अपनी जो भी डिमांड है हमारी इम्पोर्ट की डिमांड को पूरा किया जा सके उस पर्पज़ के हिसाब से इट ऑल्सो एक्स एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम अब बैंकिंग सिस्टम के भी बैंक के रूप में काम कर रहे हैं बैंक का रोल क्या होता है हमें पैसा चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं अब बैंकों को अगर पैसा चाहिएगा तो बैंक कहां पर जाएगा तो बैंक जाएगा सेंट्रल बैंक के पास मतलब बैंक जाएंगे आरबीआई के पास तो बैंकों के भी बैंक का ये काम इस तरीके से कर रहा है फंक्शन <tleskullers> ये क्या करता है करेंसी इशू करता है, है ना आरबीआई क्या करता है करेंसी इशू करता है तो मनी सप्लाई में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है आरबीआई का वो अगर हम देखें उस पार्ट पे अगर हम आए कि आरबीआई का कंट्रीब्यूशन मनी सप्लाई में क्या है तो आरबीआई क्या है सोल अथॉरिटी है टू इशू द करेंसी हियर तो आरबीआई जब करेंसी इशू करेगा है ना तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी आर जब करेंसी नए नोट छापेगा तो डेफिनेटली मनी की सप्लाई तो बढ़ेगी ना नए नोट आ रहे हैं सप्लाई विल गो अप तो ये क्या करते हैं जो भी सेंट्रल बैंक ने करेंसी इशू कर रखी है है ना दिस करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक है ना लोगों के पास हो सकते हैं ये फिजिकल करेंसी की हम बात कर रहे हैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं यू वुड वंडरिंग वो फिजिकल करेंसी बैंक बैलेंस में क्या डिफरेंस है नहीं है उस पर भी हम आएंगे बट फॉर नाउ ये समझिए कि लोगों के पास में जो भी आर ने जो नोट छापे हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर जो करेंसी है उसकी हम बात कर रहे हैं लोगों के पास में जो पैसा है या फिर कमर्शियल बैंक के पास में जो पैसा है है ना दिस इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी रिजर्व मनी या मॉनिट्री बेस क्या इसको कहा जाता है ये मॉनिट्री बेस इसको कहा जाता है या हाई पावर्ड मनी इसको कहा जाता है ये दोनों वर्ड याद रखिए क्या है हाई पावर्ड मनी या मॉनिट्री बेस हाई पावर्ड मनी जो है हाई पावर्ड मनी वो मनी है जो कि आर बी ने जिसे करेंसी के रूप में इशू किया हुआ है ना जो नोट और ये सब है तो आप कहोगे सर ये मतलब जितने नोट इशू करेंगे उतने ही तो मनी सप्लाई में होंगे ना है ना यू वुड बी वंडरिंग कि ये अलग कैसे हो सकता है मतलब अलग इन द सेंस कि ये जो मॉनेटरी बेस है है ना या जो हाई पावर्ड मनी है ये मनी सप्लाई से अलग कैसे होगा भाई आरबीआई जितने नोट छापेगा उतना ही तो मनी सप्लाई में आएगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना आई एम मूविंग टुवर्ड्स कांसेप्ट ऑफ द मनी मल्टीप्लायर उस पे हम आ रहे हैं क्या ऐसा होता है वाकई में ऐसा नहीं होता है। आरबीआई ने जो करेंसी इशू की है सेंट्रल बैंक ने जितनी करेंसी इशू की है मतलब जो फिजिकल फॉर्म में जो नोट और वो है जिसे हम मॉनिटरी बेस कह रहे हैं जिसे हम हाई पावर्ड मनी कह रहे हैं ठीक है ही ना क्या ये मनी सप्लाई के बराबर होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि मनी सप्लाई में क्या है मनी सप्लाई में क्या था करेंसी इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट भी थे लोगों के डिपॉजिट भी तो आ रहे हैं तो आप कहोगे सर आ तो रहे हैं लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा जितना आरबीआई पैसा छापेगा उतना ही तो पैसा होगा मनी सप्लाई लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता इसका आंसर कौन दे रहा है मनी मल्टीप्लायर इसका आंसर देता है तो इसको थोड़ा समझते हैं प्लीज हैव है लुक एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं यहीं पर एक स्लाइड ऐड कर देते हैं देखिए बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ या स्लाइड पे जो भी एडिशन किया है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होगा और इसका पी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा यूपीएससी राहुल भारद्वाज नाम डाल के टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो अब इसको समझते हैं मान लीजिए लेटर से वी हैव वन पर्सन अरुणा और सत्यम है ना हम लेते हैं अरुणा है और यहाँ पे सत्यम हमने लिखा है ये एग्जाम्पल समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगी चीज़ें अरुणा है तो उनकी जो ग्रांड मदर है उन्होंने पैसे बचा के रखे थे ठीक है ये सोचा कि जब अरुणा कॉलेज में जाएंगी या स्कूल में जाएंगी ठीक है तो वो पैसा वो उनको देंगी तो अरुणा जब कॉलेज में गई तो उनकी ग्रांड मदर ने जो पैसा बचा के रखा था अरुणा को दिया क्योंकि कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई के लिए उस पर खर्चा कर सकती हैं यूज़ कर सकती हैं जो भी हैं फाइन तो हम मानते हैं कि एक टोकन अमाउंट ले रहे हैं सौ है ना पैसा कितना भी हो सकता है एक लाख दस लाख एक करोड़ वट एवर इट इज वी आर टेकिंग ए टोकन अमाउंट ऑफ हंड्रेड रुपी ओनली सौ रुपये का एक टोकन अमाउंट हम लेते हैं कि अरुणा के जो ग्रांड मदर है उन्होंने क्या दिए सौ रुपए अरुणा को दिए है ना अब अरुणा ने देखा कि इतना सारा पैसा मेरे पास है इतना सारा पैसा मेरे पास है तो मुझे घर पे क्यों रखना है अभी तो यूज हो नहीं रहा है बैंक में रहेगा तो बैंक में क्या रहेगा सेफ रहेगा क्या रहेगा बैंक में पैसा क्या रहता है बैंक में सेफ भी रहता है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन नॉर्मल बात करें और वहां पे मुझे कुछ इंटरेस्ट भी आ जाएगा है ना कुछ ब्याज भी मुझे मिल जाएगा तो अरुणा ने देखा कि अभी मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन दादी ने दिए हैं तो डेफिनेटली मैंने लिया और उस पैसे को एस में डिपॉजिट किया क्या किया डिपॉजिट किया मतलब जमा यहां पे किया है क्या किया है जमा यहाँ पे किया क्लियर है अब आपको अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है फर्स्ट यू नीड टू ओपन एन अकाउंट अकाउंट खोलोगे तभी तो पैसा जमा होगा तो अरुणा यहाँ पे बैंक में जाती हैं एस में और उनको कहती हैं कि मेरा एक आप अकाउंट खोल दीजिए कि कैसा अकाउंट खोलना है कि सेविंग अकाउंट खोल दो मुझे कुछ बिजनेस पर्पस के लिए तो अकाउंट चाहिए नहीं तो इसका सेविंग अकाउंट अरुणा का यहाँ पे खोला गया अरुणा का सेविंग अकाउंट इन्होंने खोल दिया अब अरुणा का जो सेविंग अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना होगा ये क्वेश्चन है सर तो इतना इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया कितना होगा व्हाट शुड बी द बैलेंस व्हाट शुड बी द बैलेंस इन अरुणाज ने सौ रुपए जमा किया है तो सौ रुपए तो होगा व्हाट शुड बी द बैलेंस कितना होना चाहिए हंड्रेड रुपी ये आपका बैलेंस हो जाएगा है ना सौ यहां पे आपने जमा कर लिया समझ आ रहा है एक बार थम्सअप कर दो कि हाँ सर आ रही है चीजें अब होता क्या है बैंक जो पैसा जमा कर रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट दी जाती है ब्याज दर दी जाती है अब हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं बैंक उसका क्या करता है बैंक उस पैसे का क्या करता है पता है आपको हमने जो पैसा बैंक में जमा किया बैंक बैंक पैसा कैसे कमाते हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं तो हम क्या कर रहे हैं बैंक में पैसा जमा किया तो हमने जो डिपॉजिट बैंक में दिया है उस पर मान लो हमें तीन परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है पांच परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है फाइन और बैंक उस पैसे को क्या देगा दूसरे जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको उधार देगा लोन देगा तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा आठ परसेंट दस परसेंट इस तरह से हमें दे रहा है पांच परसेंट उनसे चार्ज कर रहा है दस परसेंट तो बैंक को पांच परसेंट का फायदा हो गया ना दिस इज नॉन एज स्प्रेड स्प्रेड ये जो डिफरेंस है डिपॉजिट रेट में और जो आपको लेंडिंग रेट है डिपॉजिट रेट मतलब आपका जो डिपॉजिट है उस पर आपको ऑफर कर रहा है पांच परसेंट आपको दे रहा है लैंडिंग रेट उधार दे रहा है आगे वाले से 10 परसेंट ले रहा है पांच परसेंट हो गया ये स्प्रेड हो गया स्प्रेड क्या होता है बैंक का प्रॉफिट होता है ऐसे ही तो बैंक अपना काम करते हैं ठीक है ना प्रोफेशन जो है अपना मतलब जो अपना ये पूरा काम कर रहे हैं प्रॉफिट इस तरीके से ये कमा रहे हैं तो यहाँ पे जब आपने पैसा जमा किया है ठीक है आपने जो पैसा जमा किया है तो बैंक क्या करेगा आगे उधार देगा उधार देगा तो अभी के लिए हम मानते हैं कि ये जो बैंक है लेटेस से दिस पर्टिकुलर बैंक ही यहाँ पे केवल इतना ही जमा है ये हंड्रेड रुप ही हम मान रहे हैं और क्या बैंकों में जितना पैसा जमा होता है क्या पूरा का पूरा पैसा बैंक आगे उधार दे सकता है मान लो बैंक में सौ रुपये जमा है कुल किसी भी बैंक का जमा सौ रुपये है क्या सौ के सौ रुपये वो उधार दे देगा आप कहोगे सर नहीं ये तो बात जमी नहीं क्यों क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो बैंक से पैसे कभी भी लेने आ सकते हैं भाई सेविंग अकाउंट है मतलब डिमांड डिपॉजिट है आपकी जब मर्जी तब पैसा निकाल लो बट इसमें एक और चीज है जितने भी लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है जितने भी लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है फाइन वो सबके सब एक साथ तो पैसा निकालने आएंगे नहीं समझ रहे हैं आप मान लीजिए यहाँ पे एक बैंक है जिसमें दस हजार लोगों ने पैसा जमा कर रखा है है ना दस हजार लोगों ने दस हजार करोड़ एक हजार करोड़ रुपए उसमें जमा है ठीक है बैंक का जो टोटल है तो दस हजार लोगों के एक हजार करोड़ रुपए जमा है तो सारे के सारे दस हजार लोग एक साथ तो आएंगे नहीं बैंक से कि हमें पैसा दे दीजिए लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन चलता रहेगा ट्रांजेक्शन और अदर के लिए पैसे की डिमांड होगी तो बैंक एक एवरे, एवरेज निकाल के जो भी चीज होती है वो थोड़ा पैसा अपना बचा के रखते हैं बाकी आगे उधार दे देते हैं ठीक है अगर ऐसी कंडीशन हो गई बैंक में जितने लोगों का पैसा जमा है सब एक साथ निकालने आ गए तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बैंक रन क्या कहते हैं बैंक रन ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बैंक रन में क्या होता है जितने भी लोगों के वहां पे पैसे हैं वो सब एक साथ निकालने बैंक पहुंच जाएंगे कब होता है बैंक रन जब आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बैंक है मान लो ये एक्स वाई जेड बैंक है ये डूब रहा है आपके पास खबर आई एक्स वाई जेड बैंक है मेरा पैसा इसमें पड़ा है और ये बैंक डूब रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे पार्टी देंगे सबसे पहले है तो ना घूमने जाएंगे सबसे पहला काम आप क्या करोगे सबसे पहला आप काम करोगे उस बैंक की ब्रांच जो भी पास में है वहाँ पे भागोगे वहां पे अपना जितना भी पैसा पड़ा है सारा पैसा निकालने की कोशिश करोगे वट यू विल डू अच्छा मेरा एक लाख रुपए पड़ा है पूरा निकाल लूँ बैंक तो डूब रहा है मेरा एक लाख रुपए भी डूब जाएगा वैसे तो अब ये इंश्योरेंस देने लग गए पहले एक लाख था पाँच लाख पे देने लग गए बट स्टिल इन जनरल लोग क्या करते हैं सारा पैसा वहां पे निकालने का कोशिश करते हैं तो जब सारे लोग एक साथ जाते हैं बैंक से पैसा निकालने के लिए इस तरह की सिचुएशन बनती है उसको हम कहते हैं बैंक रन ठीक है जब बैंक में कोई गड़बड़ी सामने आती है कोई इस तरह का फ्रॉड या कुछ होता है तब बैंक रन की स्थिति बनती है इसको डील करने के लिए क्या करता है आर बी आई आर बी आई यहाँ पे इंटरवीन करेगा क्योंकि अगर बैंक के सारे लोग बैंक के पास पैसा निकालने के लिए चले गए तो बैंक के पास इतना पैसा तो है नहीं क्यों क्योंकि बैंक तो आगे उधार दे के अपना प्रॉफिट कमा रहा है तो बैंक क्या होगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा डूब जाएगा तो आर बी आई यहाँ पे बीच में आता है और आर बी आई कहता है कि ठीक है आपको पैसा निकालना है लेकिन हमने लिमिट लगा दी है पाँच हजार रुपये ही निकाल सकते हो एक हफ्ते में फिर धीरे धीरे जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी आर बी आई की फिर आर बी आई कहेगा चलो आप पचास हज़ार निकाल सकते हो फिर जब वो स्थिति सही होगी इस तरह से मैनेज किया जाता है बैंक रन की स्थिति तो अभी तक हमने क्या समझा ये बैंक रन लिख लेना स्प्रेड और प्रॉफिट क्या होता है ये भी लिख लेना हमने क्या देखा हमने देखा कि जो भी बैंक है वो क्या करेगा जो भी उसके पास टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर उसको उधार के रूप में देगा आगे लैंड करेगा लैंडिंग ऑपरेशन रहेंगे उसके जिससे वो पैसा कमाएगा तो यहां पे सत्यम है सत्यम अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इनको लोन की रिक्वायरमेंट है किसकी रिक्वायरमेंट है लोन की रिक्वायरमेंट है पैसा इनको चाहिए आइडिया है बिजनेस का ठीक है लेकिन पैसे की जरूरत है इनको पैसा इनके पास अभी इतना नहीं है जितना उसके बिजनेस के लिए चाहिए तो ये बैंक के पास जाएंगे बैंक को कहेंगे कि मुझे बिजनेस के से इस तरह से पैसा चाहिए तो बैंक कहेगा अच्छा तो आपका एक करंट अकाउंट खोल देते हैं एक करंट अकाउंट खोल देते हैं क्लियर हो गया करंट अकाउंट आपका खोल देते अब हमने अभी ये देखा कि बैंक के पास जितना जमा होता है हमने देखा अभी सौ रुपए मान लेते हैं बैंक के पास में है लेकिन बैंक पूरा का पूरा पैसा आगे नहीं दे सकता है बैंक को क्या करना होगा कोई भी अगर पैसा मांगने आ जाए उनको पैसा देना या फिर कुछ अदर रिक्वायरमेंट होता है जैसे आरबीआई ने कह दिया कि भाई इतना पैसा आपको ऐसा रखना पड़ेगा वैसा रखना पड़ेगा अपने साथ में है ना तो बैंक क्या करते हैं जो अपने पास कुल जमा होता है पूरा का पूरा लोन के रूप में नहीं दे सकते फॉर द सेफ्टी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ठीक है पूरा वो पैसा नहीं दे सकते तो उनको कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट बताई जाती है रिजर्व रिक्वायरमेंट लेटेस्ट से कि रिजर्व रिक्वायरमेंट हम यहां पे दस परसेंट मान लेते हैं दस परसेंट मान लेते हैं इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा जैसे बैंक के पास कुल जमा सौ रुपये है तो बैंक क्या करेगा दस रुपये अपने पास रखेगा और यहाँ पे जो है बची हुई जो राशि है नाइन्टी रुपी है वो उधार के रूप में दे सकता है तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया रिजर्व रेशो दस परसेंट थाना क्योंकि कोई भी पैसा मांगने आ जाए या फिर अदर काइंड ऑफ जो भी चीजें हैं उसके लिए बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना है तो हमने उसको अभी के लिए दस मान लिया तो बैंक के पास में अगर यहाँ पे कुल जमा सौ है तो बैंक दस रिजर्व रखेगा मतलब दस रुपए अपने पास रखेगा बचा हुआ नाइन्टी रुपी है वो दे देगा उधार तो सत्यम के अकाउंट सत्यम का अकाउंट खोला गया यहाँ पे उसके अकाउंट में नाइन्टी रुपी ट्रांसफर हो गए तो अब आपको मुझे ये बताना है कि अरुणा जो है उनका बैलेंस है सौ रुपए कितना है सत्यम में इनका बैलेंस है नाइन्टी रुपीज तो टोटल कितना आ रहा है वन नाइन्टी रुपी आ रहा है ये क्या है डिमांड डिपॉजिट में बैलेंस है आपका वन नाइन्टी रुपी कैटेंगे जबकि एक्चुअल में पैसा कितना है एक्चुअल में तो सौ रुपये ही है आर यू गेटिंग दिस एक्चुअल 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 में 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 पैसा कितना है 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 तो है तो तो ये ये जो 100 है में, ये क्या है आपका मॉनिटरी बेस है ये क्या है आपका हाई पावर्ड मनी है ये ये आपका मॉनिटरी बेस है हाई पावर्ड मनी है मॉनिटरी बेस क्यों है क्योंकि अगर ये सौ रुपए बैंक में जाता ही नहीं तो ये क्रेडिट क्रिएशन कुछ होता ही नहीं फाइन Why this is, uh, uh, अब ये मनी मल्टीप्लाई हो रहा है ये हंड्रेड था अब वन नाइनटी हो रहा है क्योंकि मनी सप्लाई में क्या है मनी सप्लाई में करेंसी इन हैंड लोगों के पास या जो इस तरीके से जो पैसा है कमर्शियल बैंक के पास में फिजिकल करेंसी की हम बात कर रहे हैं वो प्लस बैंक अकाउंट का बैलेंस क्लियर क्योंकि मनी सप्लाई में जो डिपोजिट्स हैं डिमांड डिपॉजिट वगैरह उसकी भी हम बात कर रहे हैं तो ये सब आपका मिलकर क्या कर रहा है मनी सप्लाई बना रहे तो हम देख रहे हैं कि जो मॉनिटरी बेस है ये जो हाई पावर्ड मनी है है ना वो जब इस तरह से बैंकों में गया बैंकों के जो बैंकिंग ऑपरेशन है लैंडिंग के डिपॉजिट के उसकी वजह से क्या होता है मल्टीपल टाइम वो हो रहा है है ना उसका वैल्यू इस उस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज बेसिकली वट दिस इज नॉन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट यही है एग्जाम्पल के तौर पे इसने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट मनी सप्लाई के बीच में और हाई पावर्ड मनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मनी मल्टीप्लायर बता रहा है मनी सप्लाई तो हमने देखा ही है अभी मनी सप्लाई के मीजर को हमने देखा है उसके बीच में और हाई पावर्ड मनी के बीच में रिलेशनशिप को मनी मल्टीप्लायर हमें बताता है कैसे बताता है मनी मल्टीप्लायर को अगर स्मॉल एम से लिखें तो कैपिटल एम आपका हो जाएगा यू हैव दिस मनी सप्लाई और एच हो जाएगा हाई पावर्ड मनी हाई पावर्ड मनी तो जैसे हाई पावर्ड मनी आपका इस पिछले वाले एग्जाम्पल में हंड्रेड था और ये जो मनी सप्लाई है वो वन नाइन्टी हुआ था लेकिन ये वन नाइन्टी से और आगे जाएगा फिर फिर आप जो नाइन्टी रुपी है उसमें से दस परसेंट अपने पास रख लो बाकी उधार दे दो तो ऐसे दिस थिंग विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन तो ये वन नाइन्टी से दो सौ सत्तर हुआ और इससे आगे गया ऐसा ही चलता जाएगा ठीक है तो मनी मल्टीप्लायर का ये रिलेशनशिप है और इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो के जैसे हमने रिजर्व रेशो दस परसेंट लिया था ना तो अगर मैं इस रिजर्व रेशो को 50 परसेंट कर दूं मतलब रिजर्व रेशो मैंने बढ़ा दिया तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा क्योंकि जैसे 10 परसेंट पे 190 हो रहा था अब 50 परसेंट पे 150 ही हो जाएगा तो कम हो गया ना तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो के अभी के लिए इतना ध्यान रखिए और इसी को फिर हम आगे और जो है एक बजे भी आपकी क्लास है उसके अंदर हम इसको देखेंगे फाइन वन पी एम पे भी आपकी एक क्लास है विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे एक बजे वाली क्लास में और इस चैप्टर को पूरा करेंगे फाइन सो दिस इज ऑल फॉर नाउ ये टेलीग्राम चैनल है इस पर आप जुड़े रहिए तो जो एक बजे अभी एक क्लास है उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है और आज इसका लास्ट आपकी डेट है सो so वाट यू आर गेटिंग अगर आप अट्ठारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एटीन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है तो इसके लिए आप जा सकते हैं तो बीस अक्टूबर से नए बैचे स्टार्ट हो रहे हैं कैन गो फॉर दीज बचे और उसको जीरो परसेंट ई एम आई के लिए भी जा सकते हो सटरडे सुबह ग्यारह बजे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके लिए आप जाइए काफ़ी सारे प्राइसेस आप जीत सकते हैं कॉम्पीट कर सकते हैं ठीक है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी आपके पास है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं केवल सी सेट के लिए जा रहे हो तो केवल सी सेट का ऑफ़र भी आपको दिया जा रहा है ना Eight triple nine. Civil service championship is back. You can win the lots of prizes and uh, get the opportunity to meet uh, with the IS officers. Fine. So this is all for today. All the very best. Okay.